precious. You are so precious to your people. You are so precious to your daughters, Lord. Lord, you have given a special place to them in your heart. And for that reason, we know that we are so close to your heart. You took so much of time and interest to create us, Lord. Lord, we are not ordinary people. But Lord, we hold a very precious place. Yes, Jesus. An important place in the places we are placed. Yes, Jesus. Maybe it is our homes. Maybe it's our workplace. Lord, you have really given us the privilege to change the scenario. Yes. You have given us the power and authority yes. to be your daughters, Lord. Yes. And Lord, we know. And we ladies all together come yes. and bow down before you, Father. We understand, Lord, how holy you are. Yes, Lord. Lord, we know that you are the Lord. You are the Lord, Father God. You are the Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus is Lord. Today, all the people who are watching this program, who are watching this online, I believe that we are closing our eyes and saying, Lord, you are the Most High, and we give you all the praise and glory. He is the Lord. Hallelujah.
आज के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और आज इस ऑनलाइन सर्विस में मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके जीवनों को छू लेगा, क्योंकि आज का वचन है एक खूबसूरत फाटक। यीशु मसीह वो खूबसूरत फाटक। भजन 118 उसका 19 और 20। मेरे लिए धार्मिकता के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। आज यहोवा का द्वार यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है जो हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति तक ले जाएगा, जहां मैं उसकी उस धार्मिकता में सदा रहूंगा। आज हमें उस सुंदर फाटक को अनुभव करना है, क्योंकि कई लोग हैं जो उस फाटक के पास आए हैं या उस फाटक के भीतर भी प्रवेश किए हैं। वो अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं, वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो अपने आप को सच्चे भक्त कहते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में डर है, उनके जीवन में कई ऐसी बाधाएं हैं, वो कभी भी अपने जीवन में खुल के नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक उन्होंने उस सुंदर फाटक यीशु मसीह का अनुभव नहीं पाया है। उन्होंने सुना जरूर है और उस सुनी हुई बातों में वो चल रहे हैं, और जो लोगों ने कहा है वो कर रहे हैं, पर उससे कुछ नहीं लाभ। पर आज आपके जीवन में अगर लाभ चाहिए तो हमें यीशु मसीह का अनुभव चाहिए। उस सुंदर फाटक को हमें अनुभव करना है, और फिर जब हम उसमें से प्रवेश करेंगे तो उद्धार हमारे जीवन में होगा। हम में से कई लोग ये कह सकते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने यीशु मसीह को कई साल पहले ग्रहण किए हैं। पर आज आपको याद दिलाना चाहता हूं और आज पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप उस उद्धार में चल रहे हैं? Is my salvation for today? क्या आज मेरे जीवन में उद्धार है, या आज मैं डर में जी रहा हूं, कल के डर में, उस बीमारी के डर में, उस चिंताओं में जी रहा हूं, और मेरे जीवन से वो आजादी चली गई है? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमारी आंखों को खोलने पाए, और आज ये वचन परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में आएगा वो हमारे जीवन में एक चमत्कार लेके आएगा। आमीन। क्योंकि हर घर में द्वार होते हैं, और द्वार जो है वो अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक रास्ता है, और हर घर का ये एक चिन्ह होता है। क्योंकि अगर आपने एक घर बनाया और उसके चारों ओर आपने दीवार खड़ी कर दी, तो कोई उसके अंदर जाएगा कैसे और बाहर आएगा कैसे? इसीलिए एक फाटक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाटक के द्वारा हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। हालेलुया। और स्वर्ग का भी एक फाटक है, नरक का भी एक फाटक है। स्वर्ग का वो फाटक यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, और उस उद्धार में जब हम बने रहते हैं और उस उद्धार में जब हम कार्य करते हैं तो हम आनंद मनाते हैं और आजादी के साथ अंदर बाहर जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 10 उसका 9, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को अगर हमने अनुभव किया है और उस द्वार से अगर हमने सच्चाई से प्रवेश किए हैं तो हम अंदर बाहर पूरी आजादी के साथ चलते फिरते रहेंगे। पर अगर आप यूहन्ना 10 का शुरुआत का पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उस द्वार में से जो है सच्चे चरवाह अंदर आते हैं और भेड़ जो है अपने चरवाह की आवाज पहचानते हैं, पर चोर है जो द्वार से कभी प्रवेश नहीं करता है, वो कूद के जाता है। और जब चोर आता है वो सिर्फ चोरी करने, घात करने और मारने के लिए आता है,
पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे जीवन में आया हूं ताकि तू जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि उस सुंदर फाटक के भीतर जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और उसकी धार्मिकता को हम पहने रहें, क्योंकि तब हमारे मुंह से धन्यवाद का भेंट निकलेगा। और ये बात दाऊद से बढ़कर और कौन जान सकता था, क्योंकि दाऊद एक सच्चा चरवा था जो अपने भेड़ों की रक्षा करता। और वचन में लिखा है कि दाऊद के बारे में कि वो शेरों के मुंह से अपने भेड़ों को बचा के निकाल के लाता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें भी बचाने के लिए ताकतवर है। वो शैतान के चुंगुल से हमें छुड़ा लेके आया है और आज हमें आजाद करता है। और आज जो कोई जो मेरी आवाज सुन रहा है, जो इस वचन को सुन रहा है, अगर आप शैतान के उस बंधन में फंसे हुए हैं, बीमारी के बंधन में फंसे हुए हैं, आज अगर आपके जीवन में कोई काले जादू टोना की शक्तियां आपको बांधे हुए हैं, तो आज उस शक्तियों को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं, क्योंकि यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है ताकि आप उस द्वार से, उस सुंदर फाटक से अंदर प्रवेश करें और यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते को बनाए रखें। क्योंकि फाटक दो हैं, एक जो यीशु मसीह है जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए उस द्वार को खोल के रखता है कि जो कोई विश्वास के साथ अंदर प्रवेश करेगा वो आज़ादी को पाएगा। पर एक और फाटक उसके सामने है, अधोलोक का फाटक, जो खुला है, जो बहुत शानदार बनाया है ताकि लोग आकर्षित होकर उसमें जाएं। पर आज यीशु मसीह का प्रेम आपको उस फाटक से बाहर खींचता है और आपको उस सुंदर फाटक के भीतर ले जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है यीशु मसीह फाटक की, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो आता है वो एक नया जीवन पाता है, वो बहुतायत का जीवन पाता है। आज इस तरह के फाटक हम कई जगहों पे देखते हैं। हमारे घर में फाटक है, महल में फाटक होते हैं, शहर के अंदर फाटक होते हैं और वो शहर के वो फाटकों के नाम से जाना जाता है। ये फाटक बहुत बहुमूल्य होते हैं क्योंकि इन फाटक के द्वारा ही वहाँ के लोग अंदर बाहर करते हैं। पर दुश्मन फाटक जो है बंद रखता है ताकि दुश्मन प्रवेश ना करे। आज यीशु मसीह जब वो फाटक है तो वो हमारी रक्षा करता है। जो कोई उस फाटक से अंदर प्रवेश किया है उनकी रक्षा यीशु मसीह करता है और वो उसमें विश्वास योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आए। अगर आपने यीशु मसीह को कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किए हैं, आप ज़रूर प्रार्थना में आते होंगे, प्रार्थना किसी से प्रार्थना करवाते होंगे, आपने शायद यीशु मसीह का नाम सुना होगा पर आप अभी तक विश्वास नहीं करते होंगे, तो वचन के अनुसार आज अगर आप प्रार्थना करेंगे और कहेंगे यीशु मसीह तू मेरा वो सुंदर फाटक बन जा जिसमें से जब मैं प्रवेश करूंगा तो मेरे जीवन में प्रभु उद्धार होगा, छुटकारा आएगा, बंधने टूट जाएंगी और प्रभु आज़ादी मेरे जीवन में होगी, तेरी शांति होगी, तेरा आनंद मेरे जीवन में होगा। प्रभु उस सुंदर फाटक से मुझे अंदर आने दे, प्रभु तू मेरी सहायता कर। आज अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर यीशु मसीह जो आपका वो फाटक है वो द्वार बन जाएगा जिसके द्वारा जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ बातें टूट जाएंगी, कुछ शैतान की जो जंजीरें थी वो टूट जाएंगी, वो बंधने टूट जाएंगी और आप आज़ादी के साथ अंदर जाओगे। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, उसके पास आए। वो आपके धर्म को नहीं बदलना चाहता वरन आपको धार्मिकता के वस्त्र से ओढ़ के आपको बचाना चाहता है। आज
कई लोगों की बातों पे हम आते हुए इधर उधर हर फाटक को हम खोल के देख रहे हैं कि शायद इस फाटक से मुझे जीवन मिलेगा, शायद उस फाटक से, पर मैं कहता हूं दो ही फाटक है। एक यीशु मसीह जिसने स्वयं कहा कि मैं फाटक हूं, मैं वो द्वार हूं, और दूसरा शैतान जो कहता है अधोलोक के फाटक जो हमारे लिए खुले रखा है और कई लोग उसमें गिर रहे हैं। पर आज मेरी बात सुने और अधोलोक के फाटक से दूर रहें और उस सुंदर फाटक जो यीशु मसीह है उसमें प्रवेश करें, आप बचा लिए जाएंगे। शैतान नहीं चाहता है कि आप जीवन पाए, क्योंकि शैतान के बारे में लिखा है कि वो चोर है और चोर सिर्फ चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने के लिए आता है। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हम एक और एक कहानी के द्वारा हम जानेंगे इस सुंदर फाटक के बारे में जो प्रेरितों के काम 3:1-11 में लिखा है, जहां दोपहर के समय 3 बजे जब प्रार्थना का समय कहलाता है तब पत्रस और यूहन्ना उस मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, और उस मंदिर में एक सुंदर फाटक था जिसके द्वारा जिसमें से होके वो मंदिर में जाते, और वहां पर एक अपाहिज व्यक्ति को जो बचपन से अपाहिज था, लंगड़ा था, जो चल नहीं पाता था, उसे वहां बिठा दिया जाता था फाटक के अंदर नहीं बाहर, ताकि जो कोई उस फाटक से अंदर प्रवेश करता तो उनसे वो भीख मांगता, और इसी तरह उस दिन भी वो भीख मांगने वहां पर था। और जब वो भीख मांग रहा था पत्रस और यूहन्ना उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा हमारे पास तुझे देने के लिए कोई सोना और चांदी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर है, हमारे पास परमेश्वर का वो अधिकार है, हमारे पास अधोलोक के फाटक हम पे प्रबल नहीं होंगे, वो सामर्थ है कि आज जो अधोलोक के फाटक तुझे घेरे हुए हैं, तुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, आज मेरे पास वो कुंजी है जिसके द्वारा मैं तुझे स्वर्ग के उस फाटक तक ले जाऊंगा जहां से तू प्रवेश करेगा और आनंद पाएगा, छुटकारे को पाएगा। और उससे कहा यीशु के नाम से उठ खड़ा हो, और पत्रस ने हाथ बढ़ा के उसे उठाया और वो उठ के खड़ा हो गया, वो उछलने लगा और कूदते हुए नाचते हुए वो सुंदर फाटक से अंदर गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। वो अपने घर नहीं भागा, अपने दोस्तों के पास नहीं भागा, वरन उसने जब उस सुंदर फाटक यीशु मसीह को अनुभव किया वो उसके भीतर भागा, क्योंकि उसे मालूम था कि जीवन देने वाला यीशु मसीह है और जो कोई उसके पास आएगा वो लज्जित नहीं होगा, उसके जीवन में कमी घटी नहीं होगी, वरन वो बचा लिया जाएगा, उसके जीवन में उद्धार होगा, वो आनंद के साथ और खुशी मनाते हुए परमेश्वर की हुजूरी में गया। और क्या हुआ, जो लोग उसे वहां छोड़ते थे, जो उन्हें जानते थे कि ये तो लंगड़ा है, ये तो भिखारी है, वो आश्चर्यचकित हो गए, आमीन, क्योंकि उन्होंने भी कभी उस सुंदर फाटक से प्रवेश करके कभी अनुभव को नहीं पाया था, कभी उस सुंदर फाटक का अनुभव उनके जीवन में हुआ ही नहीं, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वो बस उस रीति रिवाज के अनुसार, उन आज्ञाओं के अनुसार जो सिखाया हुआ है उसके अनुसार वो मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, पर कुछ नहीं होता था, ना उनके जीवन में कोई चमत्कार हुआ, ना वो किसी को चमत्कार दे सके, ना उस लंगड़े के जीवन में कुछ कर सके, बस वो सोचते थे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि उसे भीख मांगने यहां बिठा दिए हैं, पर उस अच्छे काम से कभी उद्धार नहीं होता है। आज मेरे प्रियो, अगर आपके लिए ये बात नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे भले कामों से हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, उद्धार खरीदा नहीं जा सकता है, वो एक भेंट है यीशु मसीह के द्वारा, जब हम उसे अपना द्वार बना लेते हैं और उस द्वार से हम प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा, तो हमारे जीवन में उद्धार हो जाता है। आज मेरे प्रियो, हम उस सुंदर फाटक से अंदर प्रवेश करें और अपने जीवन में उद्धार को पाएं, चंगाई को पाएं, छुटकारे को पाएं, आजादी को पाएं, आमीन।
परमेश्वर ने हमें भीख मांगने नहीं बुलाया है। अगर आज भी हम प्रार्थना में भीख मांग रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीख का उत्तर नहीं देता है। आज बेटे और बेटी होने के नाते जो उस अधिकार को समझता है कि मैंने सुंदर फाटक को अनुभव किया और उसमें से प्रवेश किया हूं, तो मेरे मैं अब इस घर का मालिक हूं, इस घर में मैं मुखिया हूं और मेरा अधिकार है। उस अधिकार से जब आप मांगोगे तो चमत्कार होगा। हालेलुया। और ये सामर्थ और अधिकार पत्रस और यूहन्ना जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस अधिकार को इस्तेमाल किया और कहा हमारे पास कुंजी है, उस कुंजी को हम इस्तेमाल करेंगे यीशु का नाम, और यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई हो गई। आज वो कुंजी हम सबको दी गई है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें ताकि हम कह सकें कि अधलोक के फाटक हम पे प्रबल ना होंगे। आज डर में मत जिए, भविष्य का डर हटा दे अपने जीवन से, क्योंकि आप सुंदर फाटक के अंदर हैं। आपने यीशु मसीह को अपना द्वार बनाया है और उसमें से प्रवेश किए हैं। आपके जीवन में उद्धार हो गया है। आप किस बात का डर? मृत्यु भी हार चुका है, क्योंकि अब मृत्यु भी हमें नहीं डरा सकती, क्योंकि हमने उद्धार पा लिया है। आज मेरे प्रियो, आप भी पाएं यीशु मसीह को अपना द्वार बनाएं और उसमें से प्रवेश करें। आपके जीवन में चमत्कार होने पे है। और आज इस बात की घोषणा मैं आपके लिए करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप, अगर आपके जीवन में अपाहिज हो गए हैं, अगर आप भीख मांग रहे हैं, अगर आप इस समय ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज उस फाटक को अनुभव करें और उस फाटक से विश्वास से अंदर प्रवेश करें, तो आप अंदर बाहर आजादी से फिरोगे और कोई हानि आप पे नहीं होगी। आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें हरे हरे चराई पे ले चलेगा और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि हम सब उस अनुभव को पाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उस वो सुंदर फाटक तू है प्रभु, और प्रभु आज अनेकों ने प्रभु जरूर विश्वास किया है और प्रभु कहने के अनुसार प्रभु तुझे अपने दिल में स्थान दिया है, पर आज प्रभु सच में हमें उस सुंदर फाटक के अंदर प्रवेश करना है जहाँ सुरक्षा है, क्योंकि अगर तू फाटक है तो तू प्रभु कोई चोर को अंदर आने नहीं देगा, हम पे प्रभु हानि पहुंचने नहीं देगा। तू प्रभु हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू जब हमारे साथ है, तू जब हमारा फाटक है प्रभु, तो हमें किस बात का डर? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई भी डर में है या कोई भी प्रभु कंफ्यूज्ड है, कोई भी प्रभु डिप्रेशन में है, कोई भी बीमार है प्रभु, आज यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, उठ खड़ा हो जा, क्योंकि आज तेरे जीवन में चमत्कार होने पे है, क्योंकि तू उस द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश किया है। इसलिए परमेश्वर अब तेरी रक्षा करेगा और तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। जैसे उस लंगड़े को खड़ा किया, आज वो परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। तुझे भीख मांगने नहीं बुलाया है, वरन तू बेटा है, तू बेटी है, हक से मांग, तेरे जीवन में अद्भुत वो करने पे है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तू प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है और कई लोगों को प्रभु विश्वास में खड़ा कर रहा है। प्रभु धन्यवाद हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ उसके आगमन तक बनी रहे, और सब परमेश्वर के जन कहें आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।